हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी कुकिंग चैनल अभी निगम कुकिंग में। आज मैं वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूं, हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूं। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूं वो है मूंग की, जिसे आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने 100 ग्राम मूंग लिया है। मूंग को मैंने पानी में फूलने के लिए रात में डाल दिया था, सुबह तक अच्छे से ये फूल गया था। तो मैंने इसको पानी से निकाल कर थोड़ा देर छोड़ दिया, तो मैं शाम में देखिए ये अच्छे से ओकरी भी आ गया है। तो मूंग का आज मैं मिर्चा तैयार करूंगी, उसके लिए मैंने एक बीट लिया है, 2 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक है, 1 नींबू है, टमाटर है 1 बड़ी साइज की, बड़ी साइज की मैंने प्याज लिया है। सबको मैंने पतला पतला कट किया है, इससे आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने पानी निकाल लिया है, इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, प्याज ऐड कर रही हूँ, बीट ऐड कर रही हूँ। अब मैं मिर्ची ऐड करूंगी, 1 इंच अदरक लिया था वो ऐड कर रही हूँ, नींबू का मैं रस निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं रस निकाल लिया है। 1/2 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपना अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच में चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब जब भी आप मूंग का मिर्चा तैयार करते हैं तो चाट मसाला जरूर ऐड करें। मैंने 1/2 चम्मच में मिर्ची पाउडर ऐड किया है, इससे आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने मरीच पाउडर लिया है, इससे आपको वेट लॉस करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। तो आप मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद ही खाने के लिए प्लेट में सर्व करें। तो मैंने मिक्सचर को मिक्स कर दिया है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही यम्मी बना है दोस्तों। तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें। कैसा लगा रेसिपी आप लोग को वेट लॉस के लिए, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आप लोग कैसा लगा वेट लॉस के लिए रेसिपी। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।